क्वेश्चन नंबर वन इन फिगर इफ द प्रेशर ऑफ गैस इन ए बल्ब ए इज 50 सेंटीमीटर ऑफ वाटर वैक्यूम एंड पी एटीएम इज 10.3 मीटर ऑफ H2O द डायमीटर ऑफ पाइप इज 1 mm द हाइट ऑफ कॉलम एच इज इक्वल टू. क्वेश्चन में एक टेस्ट ट्यूब गिवन है जिसके अंदर बल्ब में 50 सेंटीमीटर का वैक्यूम वाटर प्रेशर लगा हुआ है, तो उसकी वजह से पूछा गया है कि कितनी हाइट तक वाटर की हाइट इंक्रीज हो जाएगी. क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि डायमीटर ऑफ टेस्ट ट्यूब इज़ 1 mm, तो अगर डायमीटर 1 mm होती है तो टेस्ट ट्यूब के अंदर कैपिलरिटी इफेक्ट को लेना पड़ेगा. तो यहाँ पर जब हाइट ऑफ कॉलम निकालेंगे तो हाइट ऑफ कॉलम के लिए 50 सेंटीमीटर का तो वैक्यूम प्रेशर पहले से ही था, लेकिन कैपिलरिटी इफेक्ट को माइनस करना पड़ेगा. कैपिलरिटी इफेक्ट की वजह से जो हाइट आती है वो आती है 4σ/ρgD. सिग्मा यहाँ पर सरफेस टेंशन ऑफ वाटर है जिसकी वैल्यू 0.075 है. तो जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर की वैल्यू आएगी 46 सेंटीमीटर, तो आंसर हो जाएगा सी. क्वेश्चन नंबर टू द वर्क डन इन ब्लोविंग ए सॉप बबल ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर अज्यूम द सरफेस टेंशन ऑफ सॉप सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.040 न्यूटन पर मीटर. तो क्वेश्चन में सॉप बबल को बनाने के लिए कितनी सरफेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो सरफेस एनर्जी की जो वैल्यू होती है जो या फिर जो वर्क डन होगा वो सरफेस टेंशन इंटू टोटल सरफेस एरिया होगा. सरफेस टेंशन हमें गिवन है, टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें सॉप बबल का डायमीटर गिवन है. अब सॉप बबल में डबल लेयर होती है तो जो सरफेस एरिया होगा वो 2 times लेना होगा. तो जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा ए. क्वेश्चन नंबर 5 द रिलेशन बिटवीन द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन रेट du/dx फॉर ए रैपिड फ्लो ऑफ ए ग्रेनुलर मटेरियल इज गिवन बाय tau is equal to b into du/dy का होल स्क्वायर वेयर b इज कॉन्स्टेंट इफ m l t आर द मास लेंथ एंड टाइम डाइमेंशंस रेस्पेक्टिवली व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कॉन्स्टेंट b. क्वेश्चन में एक रिलेशन गिवन है tau वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में और उन दोनों के साथ में एक कॉन्स्टेंट दिया हुआ है b, तो हमें b की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है. तो b की डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम tau की डायमेंशंस लिखेंगे. टाउ होगा हमारा शेयर स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स की डायमेंशन MLT-2 डिवाइडेड बाई लेंथ की डायमेंशन इज इक्वल टू बी इंटू du होगी वेलोसिटी की डायमेंशन वो होगी L(T-1) डिवाइडेड बाई dy. y होगी हमारी लेंथ की डायमेंशन उसका होल स्क्वायर है. तो जब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो b की वैल्यू आएगी ML-1, तो आंसर हो जाएगा d. क्वेश्चन नंबर 7 ए वाटर जेट 0.0012 मीटर स्क्वायर इन एरिया इशू फ्रॉम ए नोजल विद 18 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इट इज मेड टू इम्पैक्ट परपेंडिकुलर ऑन ए प्लेट दैट मूव अवे फ्रॉम द जेट विद ए वेलोसिटी ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड द फोर्स ऑन द प्लेट ड्यू टू दिस इम्पैक्ट इज. तो क्वेश्चन में एक 0.012 मीटर स्क्वायर एरिया के से एक जेट इशू किया हुआ है जिसकी स्पीड है 18 मीटर पर सेकेंड और जो प्लेट है जिस पर ये इशू किया हुआ है वो 7 मीटर पर सेकंड से दूर की तरफ जा रहा है. तो इसकी वजह से इस जेट की वजह से प्लेट पर कितना फोर्स आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है. तो फोर्स की वैल्यू होती है रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर. वी यहाँ पर है जेट की वेलोसिटी, यू है यहाँ पर प्लेट की वेलोसिटी. अगर प्लेट जेट की तरफ आ रही होती तो यहाँ पर हम प्लस वाला साइन यूज़ करते, लेकिन अभी प्लेट जेट से दूर की तरफ जा रही है. तो रो ए वी माइनस यू का जो होल स्क्वायर करके सोल्व किया जाएगा तो वैल्यू आएगी सी 145.2 न्यूटन. क्वेश्चन नंबर 12 इन द सेट शोन इन अबव फिगर अज्यूमिंग द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर एज 10,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी. क्वेश्चन में एक मैनोमीटर गिवन है जिसमें एक स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.82 का एक फ्लूड फिल किया हुआ है और उसकी वजह से जो हेड डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो दो पॉइंट्स ए और बी पॉइंट्स पर हमें प्रेशर डिफरेंस को फाइंड आउट करना है. प्रेशर डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमने पास्कल रूल जब यूज़ करेंगे तो वाटर के लेवल से जब हम इसको स्ट्रेट लेंथ खींचेंगे तो इस वाले पॉइंट पर हम प्रेशर्स को इक्वल कर देंगे. उस प्रेशर को इक्वल करने के बाद में हमारे पास जो इक्वेशन आई वो है पी ए इज इक्वल टू 40 मीटर का जो हेड है वाटर का उसकी वजह से प्रेशर प्लस 30 मीटर का जो ऑयल का हेड है उसकी वजह से प्रेशर माइनस दी पी बी प्लस 40 प्लस 30 जो वाटर का टोटल अब हेड हो जाएगा वो हो जाएगा 40 प्लस 30 का उसकी वजह से जो हेड है उसके बराबर होगा. अब अगर
इसको जब सिंपलीफाई किया जाएगा तो पी ए माइनस पी बी की वैल्यू आएगी 52.97 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। यहाँ पर हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की है वो 9.G को 9.81 मानकर की गई है, और क्वेश्चन में जो स्पेसिफिक वेट है उसको 10,000 एज्यूम करने के लिए दिया हुआ है। तो जो वैल्यू आएगी वो 52.92 से थोड़ी इंक्रीज़ होकर आएगी, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, -53 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16, द स्ट्रीम फंक्शन फॉर ए टू डायमेंशनल फ्लो इज गिवन बाय xi इज इक्वल टू 2xy, द रिजल्टेंट वेलोसिटी एट ए पॉइंट p इज इक्वल टू 2.3 इज। क्वेश्चन में एक स्ट्रीम फंक्शन दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 2xy, तो उसकी वजह से पॉइंट पी पॉइंट 2.3 कोऑर्डिनेट पर वेलोसिटी की रिजल्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमें पता होगा कि स्ट्रीम फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस इज इक्वल टू माइनस क्यू होता है, और स्ट्रीम वेलोसिटी स्ट्रीम फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी देता है। तो जब डी जाई बाई डी वाई करेंगे तो यू की वैल्यू आएगी -2x, और डी जाई बाई डी एक्स करेंगे तो वी की वैल्यू आएगी 2y। तो जब कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पुट की जाएगी तो वी की वैल्यू यू की वैल्यू आई है 4 एंड वी की वैल्यू आई है 6, एंड रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर का अंडर रूट लिया जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 7.21 यूनिट पर सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा b। क्वेश्चन नंबर 18, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ हेड इन अ वी नोच इज 1%, देन द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज विल बी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हेड को मेजर करने में वी नोच के केस में अगर हेड को मेजर करने में 1% की एरर कर दी गई तो उसकी वजह से डिस्चार्ज का जो वैल्यू आएगी उसमें कितनी एरर होगी। तो वी नोच के कारण जो डिस्चार्ज का जो रिलेशन होता है वो होगा Q इज इक्वल टू 8/15 सी डी अंडर रूट जी टेन थीटा बाई टू इंटू एच की पावर 5/2। अब अगर हमें हेड के कारण जो डिफरेंस आ रहा है वो निकालना है, तो हम इस ड्यू इस वेलोसिटी इस Q के फॉर इस डिस्चार्ज के रिलेशन को एच के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी क्यू बाई डी एच की वैल्यू आई हमारे पास 5/2 के एच की पावर 3/2। जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो डी क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू 5/2 डी एच बाई एच। तो इसका मतलब यह है कि ये रिलेशन आया है कि हेड लॉस में जितना डिफरेंस आएगा उसकी वजह से जो डिस्चार्ज में डिफरेंस आ रहा है वो हेड लॉस के डिफरेंस का 2.5 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब कि अगर हमने हेड में 1% की एरर करी तो उसका 2.5 टाइम्स ऑफ एरर हमारे डिस्चार्ज में आ जाएगी, तो हमारे डिस्चार्ज में जो एरर होगी वो होगी 2.5%। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 20, ए रिवर मॉडल इज कंस्ट्रक्टेड टू ए हॉरिजॉन्टल स्केल ऑफ 1:1000 एंड वर्टिकल स्केल ऑफ 1:100। ए मॉडल डिस्चार्ज 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड विथ कॉरेस्पॉन्डेंस टू ए डिस्चार्ज इन द प्रोटोटाइप ऑफ वॉट मैग्नीट्यूड। तो क्वेश्चन में एक ये डिस्टोर्शन मॉडल का क्वेश्चन है जिसमें दो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्केल है रिवर का और जो वर्टिकल डायरेक्शन में स्केल है वो दोनों डिफरेंट है। तो क्वेश्चन में मॉडल के लिए डिस्चार्ज गिवन है, तो हमें प्रोटोटाइप के लिए डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है। तो हमारा सबसे पहले जो क्यू आर की वैल्यू होगी, क्यू आर जो जो रेशियो होगा क्यू एम और क्यू पी का, क्यू एम जो मॉडल वाला डिस्चार्ज है डिवाइडेड बाई जो प्रोटोटाइप वाला डिस्चार्ज है उसके रेशियो को क्यू आर बोला जाता है, वो जो होगा वो होगा एरिया इंटू दी वेलोसिटी, एरिया का रिलेशन इंटू दी वेलोसिटी का रिलेशन। वेलोसिटी का रिलेशन हम फ्रॉड नंबर से फाइंड आउट करते हैं, और एरिया के लिए हमें जब रिवर का क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है तो क्रॉस सेक्शन एरिया में दो चीज़ें आएंगी, एक तो आती है विड्थ और एक आती है डेप्थ। तो जो विड्थ वाला हमारा रेशियो दिया हुआ है वो तो दिया हुआ है एल आर एच, और जो डेप्थ वाला दिया है वो दिया है एल वी एल आर वी। तो जो जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा एल आर इंटू दी एल वी, एंड जो वेलोसिटी की वजह से जो रिलेशन आएगा वो आएगा अंडर रूट एल एल वी एल आर वी। तो जब इसको सोल्व किया जाएगा तो क्यू पी की वैल्यू आएगी 10^5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22, ए प्रेशर इन मीटर ऑफ ऑयल स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 इक्विवेलेंट टू 8 मीटर ऑफ वाटर इस। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 0.8 स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऑयल की वजह से 0.8 स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई ऑयल गिवन है और वाटर का 80 मीटर की वजह से जो प्रेशर आएगा उतना इक्विवेलेंट प्रेशर अगर वो ऑयल भी लगाएगा तो उसकी कितनी हाइट लेनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन में हम दो ऑप्शंस को डायरेक्ट
जनरल वे में एलिमिनेट कर सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल जब 0.8 है, मतलब वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी से कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वाटर की जो 80 मीटर की हाइट में जो प्रेशर आएगा ऑयल को, उतना प्रेशर लगाने के लिए उसकी 80 मीटर से हाइट ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शंस हैं 64 एंड बी, ए एंड बी, ए में आंसर है 64 मीटर, बी में है 80 मीटर, तो दोनों आंसर हमारे होंगे ही नहीं क्योंकि ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है वाटर के कंपेरिजन, मतलब ऑयल की डेंसिटी कम है। तो अब क्या किया जाएगा इसके लिए, 80 मीटर ऑफ वाटर की वजह से जो प्रेशर की वैल्यू आती है उस प्रेशर को इक्वेलेंट कर दिया जाएगा 0.8 स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो एल है उसके एच मीटर की वजह से, और जब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो एच की वैल्यू आई 100 मीटर, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 23, द बल्क मॉडुलस ऑफ ए फ्लूड इज गिवन बाई 25 GPa, वॉट इज द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द फ्लूड। तो क्वेश्चन में बल्क मॉडुलस की वैल्यू 25 GPa दी हुई है और कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है कि बल्क मॉडुलस का जस्ट अपोजिट हमारा कंप्रेसिबिलिटी होगा, तो बीटा इज इक्वल टू 1/k। सो जब 25 × GPa, GPa का मतलब है 10^9 N/mm², 10^9 Pa। तो जब 25 × 10^9 को नीचे इक्वेशन में लिखा जाएगा तो 25 × 10^9, अब आंसर हमारा 10^11 में गिवन है, तो इसके लिए क्या होगा कि 10^2 से ऊपर और 10^2 से नीचे मल्टीप्लाइड किया, तो 25 से जो 100 को जब 25 से डिवाइड किया तो उसकी वैल्यू आएगी 4, और नीचे जो 10^11 था वो ऊपर जाके हो जाएगा 10^-11 Pa माइनस, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 24, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन ए कर्व सरफेस इज इक्वल टू। क्वेश्चन में कोई कर्व सरफेस अगर वाटर में स्टैटिक रखी हुई है तो उसके प्रेशर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा ये पूछा गया है। तो कर्व सरफेस को जब वाटर में फिल किया जाता है, रखा जाता है, तो उसमें दो टाइप के दो कंपोनेंट ऑफ प्रेशर आते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट होगा कि उस कर्व सरफेस के ऊपर जितना भी वाटर फिल किया हुआ है उस कॉलम का वॉल्यूम वर्टिकल कंपोनेंट देगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उस कर्व सरफेस का जो वर्टिकल प्रोजेक्शन आएगा उस प्रोजेक्शन पर, जो उस प्रोजेक्शन के सेंट्रोइड पर जो प्रेशर लगता है वो होगा। तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टोटल प्रेशर का, वो होगा डी। तो डी में लिखा हुआ है फोर्स ऑन द वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ कर्व सरफेस, तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 28, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो इज गिवन एज। क्वेश्चन में स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पूछा गया है। तो स्टेडी फ्लो वो होगा कि जब किसी पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट पर टाइम के अकॉर्डिंग अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो वो स्टेडी फ्लो है, और यूनिफॉर्म फ्लो वो होता है कि किसी पर्टिकुलर गिवन स्पेस में अगर वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो वो यूनिफॉर्म फ्लो होगा। तो यहाँ पर हमें स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो फाइंड आउट करना है, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं होगी लेकिन इन अ गिवन स्पेस हर पॉइंट पर वो वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होगी। तो उसका जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो होगा टैपरिंग पाइप पर कांस्टेंट डिस्चार्ज। कांस्टेंट डिस्चार्ज का मतलब ये, अगर हमने हेड को कांस्टेंट कर दिया तो इस टेपर पाइप के हर पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं होगी क्योंकि एच की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, लेकिन इस गिवन डी एक्स में हर पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होगी क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से जब देखेंगे तो जब एरिया चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, तो आंसर होगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 31, द वैल्यू ऑब्टेंड फ्रॉम डिवाइडिंग लिमिटेड वैल्यू ऑफ सर्कुलेशन बाय एरिया ऑफ क्लोज कंटूर इज नोन एज। तो सर्कुलेशन को जब एरिया से डिवाइड किया जाएगा कोर्स क्लोज कंटूर में तो वो हमें वोर्टिसिटी देता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर 32, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ पाइप ऑफ 32,000 मीटर लॉन्ग इफ इट इज़ इक्वेलेंट टू अनदर पाइप ऑफ 0.2 मीटर डायमीटर एंड 1,000 मीटर। तो क्वेश्चन में हमें 32,000 मीटर लॉन्ग का पाइप दिया हुआ है, वो पाइप एक और पाइप है जिसकी लेंथ है 1,000 मीटर और उसका डायमीटर 0.2 मीटर के इक्वेलेंट है, तो हमें 32,000 मीटर लॉन्ग के पाइप के लिए डायमीटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब एक पाइप दूसरे पाइप के लिए इक्विवेलेंट होता है तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों का हेड लॉस सेम होगा और दोनों में से जो डिस्चार्ज की वैल्यू है वो सेम फ्लो होगी। तो जब दोनों के लिए हम हेड लॉस के एक्सप्रेशन को इक्वल करेंगे तो उसको जब सिंप्लीफाई किया जाएगा, जैसे हेड लॉस का हमारा एक्सप्रेशन है 8 Q²
FL upon पाई स्क्वायर जी डी की पावर 5। तब ये इक्वेशन को जब इक्वल किया जाएगा तो क्यू जब सेम है, एफ की वैल्यू सेम है, एल की वैल्यू डिफरेंट है, तो जब और पाई और एट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो एंड में जो रिलेशन बचे हुए बचेगा एल वाई डी वन की पावर 5, एल टू वाई डी टू की पावर 5। तो जब इसको इक्वलेंट करके डी वन की पावर 5 में जब यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो डी वन की वैल्यू आई 0.4 मीटर। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 36, कन्वेंस ऑफ ए चैनल सेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो कन्वेंस क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं। तो अगर चेजीज फॉर्मूला से देखेंगे तो डिस्चार्ज की जो वैल्यू होगी ओपन चैनल में वो होगी क्यू इज इक्वल टू सी ए अंडर रूट आर एस। ए यहाँ पर एरिया है, सी इंटू अंडर रूट आर एस यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू है। तो डिस्चार्ज के लिए वेलोसिटी को जब एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिस्चार्ज मिल जाएगा। अब इसमें स्लोप के अलावा, बॉटम स्लोप के अलावा जो बाकी सारी वैल्यूज़ है उसको अगर एक कांस्टेंट में रखा जाए तो उसे कन्वेंस बोला जाता है। सेम इसी तरीके से मैनिंग फॉर्मूला में भी जो क्यू की वैल्यू होती है वो होगी 1/n ए आर की पावर 2/3 इंटू अंडर रूट एस। यहाँ पर भी रूट एस को अलग करके जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसको अलग एक्सप्रेशन केस से शो करेंगे तो वो कन्वेंस कहलाता है। तो दोनों केस में हमारे कन्वेंस की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ रही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 39, इन एन आइसबर्ग 15% ऑफ वॉल्यूम प्रोजेक्ट्स अबाउ सी सरफेस इफ द स्पेसिफिक वेट ऑफ सी इज 10.5 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। द स्पेसिफिक वेट ऑफ आइसबर्ग इन किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब इज, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आइसबर्ग है जो सी वाटर में फ्लोट कर रहा है और उसका 15% ऑफ पोर्शन ही वाटर से बाहर है, मतलब 85% उसका पानी के अंदर है। ठीक है, तो इसमें हमें स्पेसिफिक वेट ऑफ आइसबर्ग का स्पेसिफिक वेट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास रिलेशन होता है कि जब अगर कोई चीज़ पानी में फ्लोट करेगी, माना कि ये 15% बाहर है और 85% पानी के अंदर है, तो फ्लोट करने के कारण जो वेट ऑफ द बॉडी होगा वो हो जाएगा वेट ऑफ द बायंसी फोर्स के इक्वल। और बायंसी फोर्स होगा कि जितना वॉल्यूम का वाटर बॉडी ने डिस्प्लेस किया है तो उसके वेट के इक्वल। तो ये वाली वैल्यू तो हो जाएगी टोटल वेट ऑफ बॉडी, और ये हो जाएगी, ये जो अपवर्ड वाली वैल्यू होगी वो होगी जितना फ्लूइड डिस्प्लेस किया है उस आइसबर्ग ने उसका वेट। तो इस रिलेशन से हम स्पेसिफिक वेट ऑफ आइसबर्ग निकाल सकते हैं। तो स्पेसिफिक आइसबर्ग का वेट होगा गामा आइस इंटू वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग, और वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस होगा गामा सी वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग। आइसबर्ग का सी वाटर में 85% ही वॉल्यूम है, तो यहाँ पर 0.85 लिया है। तो जब इस रिलेशन को इक्वल करेंगे तो गामा आइस इज इक्वल टू 0.85 इंटू दी गामा सी वाटर। जब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो गामा आइस की वैल्यू आई 8.925, और आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 43, वाटर फ्लो थ्रू ए 100 mm डायमीटर पाइप विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.015 मीटर पर सेकेंड इफ़ द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 1.13 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, द फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ द पाइप मटेरियल इज। तो क्वेश्चन में एक 100 mm डायमीटर का पाइप गिवन है, उसमें से 0.015 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से पानी फ्लो कर रहा है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 1.13 इंटू 10 के पावर माइनस 6 की वन है, तो फ्रिक्शन फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है। तो जो फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू होती है वो होती है 64/RE। RE यहाँ पर रेनॉल्ड्स नंबर है, तो सबसे पहले रेनॉल्ड्स नंबर को फाइंड आउट किया जाएगा। रेनॉल्ड्स नंबर की जो वैल्यू होती है वो होती है VD/ν। न्यू यहाँ पर है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जो उसकी वैल्यू हमें गिवन है। तो RE की जो वैल्यू आई वो आएगी 1327.43, जो कि 2000 से कम है। तो 64/RE फॉर्मूला हम तभी लगा पाएंगे जब हमारा फ्लो लेमिनार है। तो अगर आर ई की वैल्यू 2000 से कम है तो फ्लो हमारा लेमिनार होगा। तो फ्रिक्शन फैक्टर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.048। तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 48, एन इंक्लाइंड प्लेट 2 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर वाइड लाइज विद इट्स लेंथ इंक्लाइंड एट 45° टू द वाटर सरफेस ऑफ वाटर एंड द नियरेस्ट एज 1 मीटर बिलो इट इफ द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, द टोटल प्रेशर ऑन द प्लेट इन kg इज अप्रॉक्सीमेटली। क्वेश्चन में एक प्लेट है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस से 45° पर रखी हुई है, तो उस प्लेट के ऊपर जो फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है।
तो जब फ्लूड की वजह से जो प्रेशर आता है वो होता है हमारा रो जी एच बार ए। रो जी यहाँ पर हो जाएगा स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, ए होता है प्लेट का सरफेस एरिया, और एच बार होगा कि फ्री सरफेस से उस प्लेट के सेंट्रोइड की डिस्टेंस। अब यहाँ पर फ्री सरफेस से जब सेंट्रोइड की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, यहाँ तक की डिस्टेंस हमें पता है वो गिवन है 1 मीटर। इस पोर्शन की डिस्टेंस के लिए हमें कंपोनेंट लेना पड़ेगा। कंपोनेंट के लिए जब यहाँ से आता है कि हमें पता है ये जब सेंटर है तो यहाँ से आता है कि डिस्टेंस होगी 1 मीटर, तो इसका जो यहाँ कंपोनेंट आएगा वो आएगा 1 sin 45। तो जो टोटल एच बार की वैल्यू आएगी या एच सी बोला जाएगा वो वैल्यू आएगी 1 plus sin 45 degree into 1, तो उसकी वैल्यू आएगी 1.707। अब पी को जो हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, रोजी तो हमारा गिवन है 1000, तो रो जी एच बार इंटू ए, ए हो जाएगा 2 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर वाइड प्लेट है, उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 3414 kg। आंसर में नियर क्वेश्चन में नियरेस्ट ऑप्शन दिया हुआ है 3420 kg, तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 52, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट टू डायमेंशनल रोटेशनल फ्लो। क्वेश्चन में चार ऑप्शंस में यू और वी की वैल्यू दी हुई है और पूछा हुआ है कि कौन सा वाला ऑप्शन हमारा टू डायमेंशनल रोटेशनल फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। तो रोटेशनल फ्लो के लिए अगर हम जेड डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू देखेंगे तो वो होती है 1/2 डी यू बाई डी एक्स, डेल यू बाई डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई। अगर रोटेशनल फ्लो है तो ये वैल्यू नॉन जीरो होगी, और नॉन जीरो होगी तो इसमें डेल वी बाई डेल एक्स इज नॉट इक्वल टू डेल यू बाई डेल वाई होगी। तो क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन अवेलेबल हैं उनके लिए डेल वी बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई को चेक करेंगे और देखेंगे किसके लिए वैल्यू नॉन जीरो आती है। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में अगर देखेंगे हम तो u की वैल्यू x दी हुई है, v की वैल्यू माइनस वाई है, तो जब डेल वी बाई डेल एक्स करेंगे तो 0 आएगी, डेल यू बाई डेल वाई करेंगे तो वो भी 0 आएगी। तो यहाँ पर डेल वी बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू सेम आ गई। सेम इसी तरीके से b वाले ऑप्शन में भी हमारी दोनों की वैल्यू सेम आ रही है और c वाले ऑप्शन में भी दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। अब d वाला ऑप्शन जो है उसमें डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू आ रही है माइनस वाई स्क्वायर और डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर, मतलब डेल वी बाई डेल एक्स नॉट इज नॉट इक्वल टू डेल यू बाई डेल वाई। तो जो डी वाला ऑप्शन होगा वही हमारा रोटेशनल फ्लो को शो करेगा, तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 56, इन सिमिलिट्यूड विद ग्रेविटी फोर्स वेयर इक्वलिटी ऑफ फ्रॉड नंबर एग्जिस्ट द वेलोसिटी रेशियो बिकम्स। क्वेश्चन में फ्रॉड नंबर की ये गिवन है कि किसी लोकेशन पर फ्रॉड नंबर की इक्वलिटी अगर एग्जिस्ट कर रही है तो वेलोसिटी रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा फ्रॉड नंबर क्या होता है। फ्रॉड नंबर हमारा होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन दी ग्रेविटी फोर्स, और जब उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्सप्रेशन की वैल्यू आती है वी बाई अंडर रूट जी डी। डी यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन होती है, तो पाइप फ्लो तो इस केस में हमारी कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन हमने लेंथ ली है, ठीक है। तो वी एम बाई अंडर रूट जी एम एल एम इज इक्वल टू वी पी बाई अंडर रूट जी पी एल पी। अब जी एम और जी पी हमारा सेम होगा, तो जब हम वी आर निकालेंगे वी आर होगा वी आर बाई वी एम इज इक्वल टू अंडर रूट एल पी बाई एल एम आ रहा है, तो मतलब जो लेंथ का स्केल रेशियो होगा वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में वो होगा अंडर रूट एल, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ बी। क्वेश्चन नंबर 58, द लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए शेप इज 9 मीटर, द मेटासेंट्रिक हाइट इज 750 mm, द टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलेशन ऑफ शिप। क्वेश्चन में शिप की रेडियस ऑफ वायरेशन गिवन 9 मीटर और मेटासेंट्रिक हाइट गिवन है 750 mm, तो शिप का पीरियड ऑफ एक्सेलेशन कितने पीरियड में वो ऑक्सीलेट करेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो जो इसका एक्सप्रेशन होता है वो होता है टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट के जी स्क्वायर अपॉन जी जी एम। के जी यहाँ पर है रेडियस ऑफ गायरेशन जो कि लीस्ट वाली रेडियस ऑफ गायरेशन है, और जी एम है यहाँ पर मेटासेंट्रिक हाइट जिसको रखना हमें मीटर में। तो जब इन सब चीज़ों को हम रखेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 20.85 सेकेंड, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 65, इफ द इरीगेशन एफिशेंसी इज 80%, कलवेंस लॉसेज आर 20%, द एक्चुअल डेप्थ ऑफ वाटरिंग इज 16 सेंटीमीटर, द डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड एट द कैनल आउटलेट इज। तो क्वेश्चन में दी इरीगेशन एफिशिएंसी दी हुई है 80% की, कन्वेंस लॉसेज दिए हुए 20%, और जितनी एक्चुअल डेप्थ ऑफ वाटर हमारी रिक्वायर्ड है वो 16 सेंटीमीटर है। तो हमें ये पूछा है कि हम कैनाल के आउटलेट पर कितना वाटर फ्लो करें कि हमें हमारे फील्ड पर जाकर 16 सेंटीमीटर का वाटर डेप्थ वाटर ऑफ डेप्थ मिल जाए डेप्थ ऑफ वाटर मिल जाए। तो इसके लिए हमें दोनों, फर्स्ट तो इरीगेशन एफिशिएंसी को कंसीडर करना पड़ेगा, उसके बाद में फर्स्ट तो हमें कन्वेंस लॉसेस को कंसीडर करना पड़ेगा, देन हम इरीगेशन एफिशिएंसी को कंसीडर करेंगे। तो अगर 20% और कन्वेंस लॉसेस हम लेते हैं तो हमारी जो एक्स की वैल्यू होगी, अगर हमने एक्स इनिशियल डेप्थ रखी है तो हमारे
फील्ड तक जो वेलो डेप्थ पहुंची है वो 20% ऑफ एक्स को माइनस करने के बाद पहुंचेगी, वो होगी 4/5 x। आफ्टर 80% एफिशिएंसी ये वैल्यू जो होगी वो हमें 16 सेंटीमीटर मिलनी चाहिए। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ रही है 25 सेंटीमीटर, तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 70, द टोटल ऑब्जर्व्ड रन ऑफ वॉल्यूम ड्यूरिंग ए 4 आवर स्ट्रॉन्ग विद ए यूनिफॉर्म इंटेंसिटी ऑफ 2.8 सेंटीमीटर पर आर इज 25.2 × 10^6 मीटर क्यूब फ्रॉम ए बेसिन ऑफ 280 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, वॉट इज द एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट ऑफ द बेसिन। तो क्वेश्चन में एक 4 आवर स्ट्रॉम के लिए रेनफॉल इंटेंसिटी गिवन है, उसकी वजह से जो रन ऑफ वॉल्यूम है वो गिवन है और बेसिन का एरिया गिवन है, तो हमें एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट फाइंड आउट करनी है। इन्फिल्ट्रेशन रेट वो होगी कि जब हम टोटल प्रिसिपिटेशन में से रन ऑफ को माइनस करेंगे तो रन ऑफ के अलावा जितना भी बचेगा वो सारा वाटर हमारे ग्राउंड लेवल ग्राउंड ग्राउंड के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर गया। तो सबसे पहले हम टोटल प्रिसिपिटेशन डेप्थ निकालेंगे, देन हम रन ऑफ डेप्थ निकालेंगे, और उनका जब प्रिसिपिटेशन डेप्थ में से रन ऑफ डेप्थ को माइनस कर दिया जाएगा तो चार घंटे के अंदर कितना इन्फिल्ट्रेशन आया वो हमें मिल जाएगा। तो टोटल प्रिसिपिटेशन डेप्थ होगी हमारी इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इनटू द ड्यूरेशन। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल हमारी 2.8 सेंटीमीटर पर आर और ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल गिवन है 4 आवर। तो जो टोटल प्रिसिपिटेशन डेप्थ है वो है 112 mm। रन ऑफ डेप्थ होगी हमारी रन ऑफ के लिए होगा रन ऑफ वॉल्यूम हमें गिवन है और हमें बेसिन का एरिया गिवन है, तो रन ऑफ वॉल्यूम को जब बेसिन की एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमें रन ऑफ डेप्थ मिल जाएगी, वो आएगी 19 mm। तो एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट होगी हमारी टोटल प्रिसिपिटेशन डेप्थ माइनस दी रन ऑफ डेप्थ डिवाइडेड बाई टी, मतलब टोटल डेप्थ ऑफ प्रिसिपिटेशन में से रन ऑफ को माइनस कर देंगे तो चार घंटे में कितना पानी ऐसा है जो रन ऑफ के बाद में ग्राउंड वाटर में इन्फिल्ट्रेट किया, यह हमें मिल जाएगा। तो उसकी वैल्यू आएगी डी 5.5 mm/hr, तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज द मॉइस्चर डेप्थ अवेलेबल फॉर इवोट्रांसपिरेशन इन रूट जोन ऑफ 1 मीटर डेप्थ सोइल If dry weight of soil is 1.5 g/cc, field capacity is 30% and permanent wilting point is 10%। तो क्वेश्चन में हमें इवोट्रांसपिरेशन के लिए कितनी मॉइस्चर डेप्थ अवेलेबल है वो फाइंड आउट करनी है। तो जो मॉइस्चर डेप्थ अवेलेबल होती है वो डिपेंड करती है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल पर और कितना मॉइस्चर अवेलेबल है प्लांट के लिए, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमें फील्ड कैपेसिटी दी हुई है कि इतनी परसेंट तक वाटर, इतनी परसेंट तक हमारा सॉइल सेचूरेट है, लेकिन अगर 10% से नीचे अगर हमारा मॉइस्चर कंटेंट गया तो उस पॉइंट उसको बोला जाता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, कि उसके बाद में जो रूट होगी प्लांट की वो पानी को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। तो हमारा जो अवेलेबल मॉइस्चर हो गया वो हो जाएगा 30 - 10%। अब जो मॉइस्चर डेप्थ फाइंड आउट करनी है तो मॉइस्चर डेप्थ होती है गामा डी बाई गामा डब्ल्यू इंटू दी टोटल रेडिली मॉइस्चर अवेलेबल इंटू दी डेप्थ ऑफ रूट जोन। रेट ऑफ रूट जोन यहाँ पर 1 मीटर गिवन है, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 30 mm, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 77, द रिटर्न पीरियड फॉर द एनुअल मैक्सिमम फ्लड ऑफ ए गिवन मैग्नीट्यूड इज 8 ईयर, द प्रोबेबिलिटी दैट दिस फ्लड मैग्नीट्यूड विल बी एक्सीड 1 ड्यूरिंग वंस ड्यूरिंग दी नेक्स्ट 5 ईयर इज। तो क्वेश्चन में एक एनुअल मैक्सिमम फ्लड की वैल्यू, एनुअल मैक्सिमम फ्लड का रिटर्न पीरियड दिया हुआ है 8 ईयर, तो प्रोबेबिलिटी पूछी है कि नेक्स्ट 5 ईयर में एक बार एक्सीड होने की इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले देखेंगे कि जब रिटर्न पीरियड की वैल्यू 8 ईयर गिवन है तो जो प्रोबेबिलिटी का रिटर्न पीरियड से रिलेशन होता है वो इन्वर्सली होता है, कि जब जितना रिटर्न पीरियड है उसका 1/ उसका अपोजिट हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस हो जाएगा। इसका मतलब ये कि अगर रिटर्न पीरियड ज़्यादा है तो अकरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी कम होगी, तो यहाँ पर जो पी की वैल्यू हो जाएगी 1/8 हो जाएगी। ठीक, अब हमें नेक्स्ट 5 ईयर में एक बार अगर ये फ्लड एक्सीड कर जाए तो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी ये फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम जो फंक्शन लगाएंगे वो होता है NCR इंटू PR इंटू QN-R, क्यों यहाँ पर है 1 - P। तो जब इसको पुट किया जाएगा तो 5C1 इंटू दी 0.125 की पावर 1, R यहाँ पर 1 है और N यहाँ पर 5 है, इंटू क्यू 0.875 5 - 1। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगी P 0.366। तो वो रेनफॉल जो जिसका रिटर्न पीरियड 8 ईयर है उसकी 5 ईयर्स में एक्सीड होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.366, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 87, कैलकुलेट द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी इफ़ द डेप्थ ऑफ
penetration along the length of border strip at an interval of 20 meter are 1.5, 1.7 meter and 2.1 meter. क्वेश्चन में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है कि जब हमने फील्ड में इरीगेशन किया तो उसकी वजह से जो वाटर डेप्थ बनी 20 मीटर के इंटरवल में एक जगह 1.5 मीटर है, एक जगह 1.7 मीटर है, एक जगह 2.1 मीटर है, तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी हमें फाइंड आउट करनी है. तो जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी होती है उसकी वैल्यू होती है 1 माइनस स्मॉल डी बाई कैपिटल डी. कैपिटल डी होता है यहाँ पर एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर, स्मॉल डी ये बताएगा कि एवरेज डेप्थ से कितना वेरिएशन आ रहा है, कितना वेरिएशन आ रहा है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी एवरेज निकालते हैं. डी एवरेज की वैल्यू आई 1.77. अब इस एवरेज डेप्थ से तीनों डेप्थ का कितना वेरिएशन हो रहा है उसका जो एवरेज होगा वो स्मॉल डी बताएगा. तो फर्स्ट वाले से हो रहा है इसका 0.3, सेकंड वाला ऑलमोस्ट सेम है तो इसके लिए 0 लिया, थर्ड वाले से हो जाएगा 0.3. फर्स्ट वाला 0.3 टाइम्स कम है एवरेज से और थर्ड वाला 0.3 टाइम्स जाता है, तो डी एवरेज की वैल्यू हो जाएगी 0.2. तो जो एन डी आएगा वो आएगा 0.889. तो आंसर हो जाएगा हमारा सी. क्वेश्चन नंबर 95. ए कैनाल इरीगेट ए पोर्शन ऑफ कल्टरेबल कमांड एरिया टू ग्रो शुगर कैन एंड वीट. द एवरेज डिस्चार्ज रिक्वायर्ड टू ग्रो शुगर कैन एंड वीट आर रेस्पेक्टिवली 0.36 एंड 0.27 क्यूमेक. द टाइम फैक्टर इज 0.9. द रिक्वायर्ड डिजाइन कैपेसिटी ऑफ कैनाल. क्वेश्चन में दो हमारे क्वेश्चन में हमें शुगर केन और वाटर के लिए जितना डिस्चार्ज रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू गिवन है. तो जो हमारा शुगर केन है वो पेरेनियल क्रॉप है, उसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द ईयर्स होगी. और जो वीट जो है हमारा वो रबी की फसल है, तो उसके लिए जो डिस्चार्ज रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू गिवन है. तो जो टोटल डिस्चार्ज होगा उसमें वीट के लिए जो डिस्चार्ज अवेलेबल होगा और जो शुगर केन के लिए डिस्चार्ज अवेलेबल होगा वो थ्रू आउट द ईयर ही चाहिए, तो वो दोनों ऐड हो जाएंगे और जब उसको टाइम फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी 0.7 क्यूमेक. तो आंसर हो जाएगा डी. क्वेश्चन नंबर 100. द शेप ऑफ द रिसेशन लिम्ब ऑफ ए हाइड्रोग्राफ डिपेंड्स ऑन. क्वेश्चन पूछा है कि हाइड्रोग्राफ का जो रिसेशन लिम्ब है वो किस पर डिपेंड करता है. तो जो हाइड्रोग्राफ हमारा होगा उसमें ये हमारा डिस्चार्ज और टाइम के साथ में रन ऑफ का डिस्चार्ज का टाइम के साथ में एक ग्राफ होता है, तो इसका इस तरह के शेप होगा. तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसे रिसेशन लिम्ब बोला जाता है. तो जो फर्स्ट वाला जो पोर्शन होगा वो तो डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पर, लेकिन जब रिसेशन लिम्ब की बात आएगी तो पीक फ्लो के बाद वाला जो फ्लो होगा वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड नहीं करेगा, वो ओनली बेसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करेगा. तो यहाँ पर जो आंसर है वो सी में दिया हुआ है कि डिपेंड्स ऑन बेसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली. तो आंसर हो जाएगा सी.